आरजेडी कांग्रेस के इंडी गठबंधन को ना देश के संविधान की परवाह है और ना ही लोकतंत्र की परवाह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना, पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे आरजेडी कांग्रेस के शासन में चुनावों में मतदान पत्र, बैलेट पेपर लूटे जाते थे। इतना ही नहीं, गरीबों को तो वोट डालने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े भाई बहन, उनको तो डंडे के चोट पे घर के बाहर निकलना मना कर दिया जाता था। अब गरीबों को, देश के ईमानदार मतदाता को ईवीएम की ताकत मिली है, तो ये जो चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी भी वो परेशान है और इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है, कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए, ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए, यही उनका खेल चल रहा है। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है, लेकिन आज देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की ताकत देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक दो घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा।